अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। हम आज मनी एंड बैंकिंग MGT 411 का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है 5 कोर प्रिंसिपल ऑफ मनी एंड बैंकिंग। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे टाइम हैज़ वैल्यू, नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे रिस्क रिक्वायर कंपनसेशन, 3rd पे हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन इज़ द बेसिस फॉर डिसीजन, 4th वन होगा मार्केट सेट प्राइजेस एंड एलोकेट रिसोर्सेज, 5th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी इंप्रूव्स वेलफेयर, 6th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, और लास्ट में हम समरी देखेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स पे मेन टाइटल और उसके टॉपिक्स जो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख चुके हैं, तो आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है टाइम हैज़ वैल्यू। टाइम इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वक्त के साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। किस तरीके से, आइए उसके एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, ये एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये वक्त की वजह से एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपकी जो मनी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती है, इसी वजह से जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट एग्जिस्ट करती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 4 साल का लोन लिया 10,000 एक कार के लिए, $10,000 आपने लोन लिया है 4 ईयर्स के लिए अपनी कार के लिए, तो आपको 6% इंटरेस्ट रेट पे मिला है। अब इसमें क्या होगा कि 4 साल के अंदर 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 48 मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, और 6% इंटरेस्ट निकालेंगे आप तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट पे जो रिस्क बनेगा, जो सॉरी इंटरेस्ट बनेगा, वो 263.02 बनेगा। अब आप जो टोटल रीपेमेंट करेंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 263.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, तो ये बन जाएगा 12,624.96, अप्रोक्सीमेट $12,625 बन जाएंगे ये। अब आपने लोन कितना लिया था $10,000 का, लेकिन आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं 2,625 अप्रोक्सीमेटली आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो कंपनसेटिंग फैक्टर है, जो लेंडर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको आप ये ज़्यादा अमाउंट क्यों दे रहे हैं, वो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि वो जो टाइम बीच में आ रहा है 4 साल का, वो ये रिस्क ले रहा है 4 साल के लिए, क्योंकि बाद में मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आप देखें कि डॉलर का रेट या गोल्ड का रेट आप देखें, बहुत अरसे पहले बहुत कम था, और आज देखें डॉलर का रेट और सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये टाइम जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है रिस्क रिक्वायर कंपनसेशन। ये जो दुनिया है ये अनसर्टेनिटी की दुनिया है, यानी कि आप नहीं बता सकते कि भाई कल क्या होगा परसों क्या होगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं, तो इसमें क्या होता है जब एक बंदा रिस्क एक्सेप्ट कर रहा होता है वो सिर्फ इसी वजह से एक्सेप्ट कर रहा होता है जब उसको कुछ कंपनसेशन मिल रही होती है। अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, यहाँ पर जिसने आपको 10,000 लोन दिया होगा उसने इस वजह से दिया क्योंकि उसको 6% पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो एक तरीके से उस इंटरेस्ट के लिए जो $2,625 हैं वो उसके लिए जो है वो लोन दे रहा है आपको। द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद सम पॉसिबिलिटीज़ आर वेलकम। अब उसमें होता है कि कुछ बाज़ औकात आपकी डील हो जाती है, बाज़ औकात आपकी डील नहीं होती, क्योंकि रिस्क फैक्टर देखता है इन्वेस्टर, जब वो देखता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता, और जब वो देखता है कि रिस्क इतना है कि मुझे बेनिफिट हो जाएगा तो वो उस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो डील इफेक्टिवली विद रिस्क वी मस्ट कंसिडर द फुल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। या जब आप रिस्क से, आपको पता है कि आपको रिस्क का सामना, इवन कि आप लाइफ के अगर छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं तो आप उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कि हाँ यार ये इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके कर लेते हैं, तो आप कुछ ना कुछ रिस्क को जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। पे समवन हैज़ टू अज्यूम पर्टिकुलरली वनरस रिस्क। आप क्या करते हैं कि आप किसी और को पैसे दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको रिस्क जो है वो कम लेना पड़े। आप रिस्क को कम करने के लिए आप मज़ीद पैसे की भी पेमेंट करते हैं। किस तरीके से, कि इन्वेस्टर जो है उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट उसको कोई फ़ायदा हो रहा होगा जब भी वो रिस्क लेगा, अगर कुछ को फ़ायदा, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा उसको पेमेंट मिलेगी। अब इसकी मिसाल ले लें कि कार इंश्योरेंस जो है वो एक तरीके से इसी चीज़ की मिसाल है। इसमें क्या होता है, बहुत पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा होता है। ड्राइवर को पता होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है या मेरी गाड़ी छिन जाती है, अब पाकिस्तान में तो क्या होता है गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं और मसले मसाइल हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं। अब आउट ऑफ कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी की कोई चीज़ टूट जाती है, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कंपनसेट कर रही होती हैं, तो इस रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवा रहे होते हैं। तो अब जो इन्वेस्टर होता है वो
अगर आप बहुत जैसे बीएमडब्ल्यू है या रोल्स रॉयस की गाड़ी है, तो उसमें क्या होता है आपकी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होता है कि जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप एक प्रीमियम भरते हैं 1 साल के बाद, तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। अब वो क्या होता है कि आप अगर सस्ती गाड़ी लेते हैं, आप आसान अल्फाज में समझ जाएं, अगर आप सस्ती गाड़ी लेते हैं तो उसका प्रीमियम जो है वो इंस्टॉलमेंट कम होती है, अगर आप महंगी गाड़ी लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए रिस्क लेने के लिए, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो वो पे करेगा, तो उसमें क्या होता है जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा उसकी पेमेंट होगी। इस तरीके से जितनी महंगी गाड़ी होगी उसके पार्ट्स, उसके इंस्ट्रूमेंट, उसकी कंपनसेशन उतनी ज़्यादा होगी, इस वजह से जो है उसकी पेमेंट भी ज़्यादा होगी। इन्फॉर्मेशन इज़ द बेसिस फॉर डिसीजन। आजकल के दौर में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, डेटा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आप अगर फेसबुक के मॉडल को देखें तो फेसबुक क्या करता है, आप फेसबुक अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के एड्स आपको दिखाए जा रहे होते हैं। अब वो एड्स क्या कर रहे होते हैं, पीछे जो फेसबुक जो आम यूज़र है उससे नहीं कमा रहा होता, फेसबुक किससे कमा रहा होता है, जो पीछे लोग होते हैं जो कि एड्स चला रहे होते हैं, जो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो आता है। अब उसमें क्या होता है, फेसबुक के पास आपका डेटा होता है, जब आप फेसबुक पर एड चलाने जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सेलेक्ट करते हैं कि भाई अगर आप जो है वो शूज़ का ऐड चला रहे हैं, स्नीकर्स बहुत अच्छे हैं आपके पास, आप अगर उनका ऐड्स चला रहे हैं तो आप फेसबुक को बोलेंगे कि भाई मैं उन लोगों को ये ऐड्स दिखाया जाए जो कि स्नीकर में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ ब्रांड के शूज़ जो हैं उनके पेजेस को लाइक किया हुआ है। तो फेसबुक आपके उनके एड्स को, फेसबुक के पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका डेटा है, फिर वो आपको डिसीजन करता है। तो आप क्या करते हैं कि आप फेसबुक पर जाके उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उस बेसिस पर अपना डिसीजन बना रहे होते हैं कि कितने लोग हैं वो स्नीकर्स को लाइक करते हैं, शूज़ को लाइक करते हैं, कितनी इसकी आबादी है जो के ऊपर मौजूद है और शूज़ को लाइक वगैरह कर रहा होता है। तो उस तरीके से आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हुए उस पर डिसीजन ले रहे होते हैं। तो आजकल के दौर में जो इन्फॉर्मेशन है वो की है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। अब जैसे आपके पास कॉल्स वगैरह आती हुई हैं कि भाई आप इंश्योरेंस ले लें, आप क्रेडिट कार्ड्स ले लें, इस तरीके की जो आ रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो पीछे बैठ के लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, आपका डेटा उनके पास जा रहा होता है कि ये लोग इतनी शॉपिंग करते हैं, इतनी इस तरीके से करते हैं, इतने पैसे यहाँ पे खर्च करते हैं, तो इनको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, इनको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो लोग बीएमडब्ल्यू गाड़ियाँ खरीदते हैं तो उनका डेटा जो है वो शोरूम वाले शेयर करते हैं बैंकिंग वगैरह से। अब वो देख, अब ये लीगल है या नहीं ये इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, हम सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से की है फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। तो वो इस तरीके से की है कि जो लोग इस सिस्टम के अंदर आ रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा दे रहे होते हैं, आगे डेटा सेल कर रहे होते हैं। अब उनको पता होता है इंश्योरेंस कंपनी को कि इन लोगों ने बीएमडब्ल्यू खरीदी है, वो आपको कॉन्टैक्ट करके बोल रहे होते हैं कि सर आप इंश्योरेंस करवा लें, ये प्रीमियम अच्छा है, ये पैकेज अच्छा है, इस तरीके से वो आपको कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो की है फाइनेंशियल सिस्टम की। मार्केट सेट प्राइसेस एंड एलोकेट रिसोर्सेज। मार्केट आर द कोर ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, द प्लेस फिजिकल और वर्चुअल। आजकल के दौर के अंदर जो मार्केट है वो इकोनॉमिक सिस्टम का कोर है। जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज की आए दिन खबरें देख रहे होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई और इतने लोगों के पैसे डूब गए, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये मार्केट होती हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं जो ये रेट्स वगैरह जो है वो तय कर रहे होते हैं। अब मार्केट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे बायर और सेलर मिल रहे होते हैं, फर्म्स जो हैं, मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जा रही होती हैं, अपने स्टॉक एंड बॉन्ड इशू कर रही होती हैं, वहाँ पे जो सेलर्स हैं या बायर्स हैं वो उनको खरीद रहे होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इस तरीके से इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो रही होती है। अब यहाँ पर क्या लाइन आई हुई है, देखें, वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट आर अ नेसेसरी प्रिडिक्शन प्री कंडीशन फॉर अ हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आपकी इस तरीके की जो मार्केट्स हैं, अगर उनकी कंडीशन अच्छी है तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर वो फॉल कर रही हैं और क्रैश कर रही हैं बार बार, तो इसमें ये इंडिकेटर है इस चीज़ का कि आपकी इकोनॉमी अच्छा एंड वेल परफॉर्म नहीं कर रही है। द रोल ऑफ सेटिंग प्राइस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मेक द मार्केट वाइटल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर फिर इन्फॉर्मेशन की बात आ गई। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है आपकी इन्फॉर्मेशन, कौन सी नई कंपनी आई है, कौन की कंपनी के शेयर अच्छे जा रहे हैं, कौन की कंपनीज के शेयर अच्छे नहीं जा रहे हैं, किस तरीके, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या आता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन दे, ऐसा ना हो कि वहाँ पर फ्रॉड हो रहा हो, वहाँ पर नंबर्स में जो है मैनिपुलेशन हो रही हो, गवर्नमेंट जो है और मुख्तलिफ इदारे जो है वो ऑडिट्स करवा रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, कि इन्वेस्टमेंट को जो इन्वेस्टर जो है उसके अमाउंट की प्रोटेक्शन की जाए, उसके साथ कोई धोखा या फ्रॉड ना हो रहा हो। इन्वेस्टर विल ओनली पार्टिसिपेट इफ दे परसीव द मार्केट आर फेयर। इन्वेस्टर जब भी अमाउंट लगाएगा, जब हम देख रहे होते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स होते हैं, खासतौर पर जो
फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो आके बयान दे रहे होते हैं कि भाई हमने ये पॉलिसी ले आई है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर जब ही किसी मार्केट में आता है, जब भी किसी कंट्री में आके इन्वेस्ट करता है, जब वो देखता है कि मार्केट्स फेयर हैं, यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल हैं, तरक्की होगी, मुल्क जो है वो डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, तो फिर आगे इन्वेस्ट करता है। जब देखें कि मुल्क जो है वो अंडर डेवलप्ड हो रहा है, डिफॉल्ट के करीब है, तो वहाँ पर कोई इन्वेस्टर नहीं आता और इसी वजह से जो है वो कंट्री में महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है और ये सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट कर रही होती हैं। स्टेबिलिटी इंप्रूव वेलफेयर, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, अब देखें हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली 75 साल हो गए, 76 साल हो गए तकरीबन हमारे मुल्क को बने हुए, और आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं गुजरा जो कि अपना टर्नओवर पूरा कर सके। तो इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, इसकी वजह से क्या होता है कि वेलफेयर के काम नहीं हो पाते। एक प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट शुरू करता है, दूसरा आके उसको ख़त्म कर देता है, फिर उसमें पता चलता है कि इसमें इतनी करप्शन हो गई है, मसले मसाले हो गए, तो इस तरीके से इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही होती और फेवरेबल नहीं हो पाती, और इस तरीके से जो है इन्वेस्टर भी नहीं आता और आवाम की तरक्की और भलाई बहबूद के लिए काम जो है वो इतने नहीं हो रहे होते। सिंपल से पॉइंट से आप इसको समझ जाएंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, द फाइनेंशियल सिस्टम मेक इट ईजियर टू ट्रेड। फाइनेंशियल सिस्टम जिसके अंदर बैंक्स आ गए और दो मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, जैसे आप देख रहे होते हैं कि अगर हम बिल्कुल लोअर लेवल पे बात करें तो जेस कैश आ गया है, टेलीनोर कैश आ गया है, मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही होती हैं आपको। ये एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं आपके लिए ट्रेड करना। आप एक बंदा अगर फ्रीलांसिंग कर रहा है तो इंटरनेशनली क्लाइंट से वो मिल रहा है, अपवर्क फाइवर इनके ऊपर काम कर रहा है और वहाँ से अमाउंट मंगवाना, ये फाइनेंशियल सिस्टम ही है कि वो ईजिली यहाँ पर इतनी दूर बैठा हुआ, हज़ारों मील दूर बैठा हुआ, ईजिली ट्रांजेक्शन विद इन अ क्लिक वो ट्रांजेक्शन कर लेता है और अमाउंट उसके पास पहुँच जाता है। फैसिलिटेट पेमेंट, पेमेंट की फैसिलिटेशन कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्रोवाइड चेकिंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट्स एंड एटीएम। अब जिस तरीके से हमने जेएस कैश और टेलीनोर की बात की, ये क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, ये एक मिडल मैन के तौर पर काम कर रहे होते हैं बीच में और हमें पैसे लेने में हेल्प कर रहे होते हैं, हमारा अपना अमाउंट विदड्रॉ करने के ऊपर बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब अगर आप में से कोई लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या फ्रीलांसिंग का आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, आपने अगर ऑनलाइन किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम किया है, तो उसमें होता क्या है कि पैसे जो है वो आपके जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं, वहाँ से आप विड्रॉ करते हैं आप अपनी अमाउंट जो है वो। एक पायनियर है, एक सिस्टम है जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है पायनियर अकाउंट के नाम से, आप पायनियर पे जाते हैं, अपना अकाउंट सेटअप करते हैं, उसमें सारी चीज़ें करते हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म से अपवर्क या फाइवर से अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं पायनियर के अंदर। पायनियर भी एक फैसिलिटेशन सिस्टम का हिस्सा है, फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। अब वहाँ से आप डायरेक्टली विड्रॉ कर लेते हैं पैसे अपने जेस कैश में और अपने किसी भी रिटेलर से जाके पैसे निकाल लेते हैं, तो कितना ज़्यादा इजी हो गया। और दूसरा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ में अगर आप एडवांस लेवल पर देखें तो इसमें बैंक्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ आ जाती हैं, म्यूचुअल फंड्स में लोग जो इन्वेस्ट करवा रहे होते हैं वो इदारे आ जाते हैं और पेंशन फंड्स वगैरह आ जाता है। चैनल फंड फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स, गिव अ परचेसिंग पावर टुडे इन एक्सचेंज ऑफ परचेसिंग पावर इन द फ्यूचर। इसमें क्या होता है कि आप जो है आपके पास पता है कि मेरे पास आज इतना अमाउंट मौजूद है, अगर आप इसको सेविंग करना चाहते हैं, अगर आप पैसे सिंपल करंट अकाउंट के अंदर सेव कर देंगे। रीज़न क्या होता है कि लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या बहुत से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है उनको पता है कि आज मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है तो 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो 1 लाख रुपए रहेगा तो 1 लाख ही, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैश उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। किस तरीके से कि आज एक सिंपल सी मिसाल ले लें, आज अगर आप आटा ले रहे हैं तो आटा एक मिसाल है कि 200 रुपये किलो आ रहा है, अब आपने 1 लाख रुपये रखे, 6 महीने बाद आटा जो है वो 250 रुपये किलो हो गया, तो आपके अमाउंट जो है वो पैसा रखा हुआ उसके वो डी वैल्यू हो रहा है। तो सेवर्स क्या करते हैं, जो स्मार्ट सेवर्स होते हैं, जो इस तरीके से हम ये कोर्स ले रहे हैं, दूसरी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपको मनी मैनेजमेंट भी आती है। आप क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड लेके रख लेते हैं। अब एक इंटरनेट सिंपल सा गूगल खोलें और गोल्ड रेट जो है वो देखें कि 6 महीने के अंदर कितना फ्लक्चुएट हुआ है और फिर अंदाज़ा लगाएं, अगर 6 महीने पहले आपके पास 1 लाख रुपये थे उसका आपने गोल्ड लेके रखा होता तो आज 6 महीने बाद आपका अमाउंट ज़्यादा हो जाता। जैसे बोलते हैं कि भाई सोना और ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, तो क्या होता है अगर आप गोल्ड ले रहे होते हैं या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो एक अरसे के बाद आपका पैसा जो है वो बढ़ रहा होता है, ना कि आप सिर्फ पैसों को सेव कर लें। तो ये सेवर हो गए। बोरोवर्स क्या करते हैं, उनको आज पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, मुख्तलिफ जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा कमाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा बैंक को इंटरेस्ट की सूरत में वापस कर देते हैं। इस तरीके से वो अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई सेवर्स क्या कर रहे होते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है।
उसके बाद है इनेबल रिस्क शेयरिंग, द वर्ल्ड इज़ एन अनसर्टेन प्लेस। ये लाइन तीसरी दफ़ा आई है कि दुनिया जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें या पैसों में इन्वेस्ट कर दें, डॉलर्स लेके रख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, बाद अवत ऐसा नहीं होता कि डॉलर बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ ही रहा होता है, बाद अवत क्या होता है कम हो जाता है। जैसे पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर देगा, तो इसमें क्या होगा, गोल्ड के प्राइस अभी बहुत ज़्यादा भरे हैं, फिर गोल्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, डॉलर के प्राइस इंशाल्लाह नीचे आ जाएंगे, फिर उसमें क्या होगा कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन आप एज ए इन्वेस्टर आपको नुकसान हो जाएगा कि यार मैंने तो गोल्ड लेके रखा था, गोल्ड 2 लाख रुपये तोला था, अब तो गोल्ड जो है वो 1.5 लाख रुपये के आ गया, मुझे तो 50,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये अनसर्टेन प्लेस है वर्ल्ड, ये इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। द फाइनेंशियल सिस्टम अलाउ ट्रेड इन रिस्क, यानी कि आप जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो रिस्क फैक्टर के ऊपर होता है सारी चीज़ें। सपोज एवरी वन हैज़ अ 1/1000 चांसेज ऑफ डाइंग बाय द एज ऑफ 40 एंड वन वुड नीड $1 million टू रिप्लेस लॉस्ट इनकम टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली। अब यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही है कि आप सपोज करें कि 1000 में से एक बंदा जो है वो 40 साल की उम्र में मर जाएगा। अब आपको क्या रिस्क होगा, आप किस तरीके से रिस्क को कंपनसेट कर रहे होते हैं, आप रिस्क को किस तरीके से कंपनसेट करते हैं, आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर आप 40 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो जाता है अल्लाह ना करे, तो वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई सारी चीज़ें, इन केस ऑफ डेथ आपकी जो रिलेटिव्स हैं, जो पीछे फैमिली है, वो उसको सेल करके उससे जो है वो अमाउंट कवर कर सकते हैं। अब ये ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या बता रहे हैं, देखें कि जब आपकी इनिशियल एज होती है तो आप क्या करते हैं, आप अमाउंट जो है वो डिससेविंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब एक बच्चा छोटा होता है उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, उसकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जब वो कमाने लगता है तो फिर उसके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आता है, तो वो क्या करता है, पैसे सेव करता है, थोड़े थोड़े पैसे सेव कर रहा होता है। फिर जब वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाता है तो फिर क्या होता है, फिर वो जो पैसा सेव किया होता है वो खर्च हो रहा होता है। तो ये एक सिंपल सा चार्ट दिखाया हुआ है कि किस तरीके से टाइम के साथ साथ आपको कब खर्च करना चाहिए, कब सेविंग करना चाहिए और जब दोबारा खर्च करना चाहिए। तो ये एक एवरेज जो है वो लाइफ जो होती है वो पर्सन की, उसके ऊपर जो छोटा सा ग्राफ देके आपको समझाया गया है कि टाइम के साथ साथ क्या होता है। अब यहाँ पे समरी हम देख लेते हैं, हमने 5 core principle पर है, और मनी ऑफ बैंकिंग, टाइम इज़ वैल्यू, मना इज रिक्वायर कंपनसेशन, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने डिटेल के अंदर देखे हैं, जो कि मैं आपको स्लाइड्स में भी बता चुका था कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या हाईलाइटेड हैंडआउट विद स्टिकी नोट्स एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, जो तरीका आपको सूटेबल लगता है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको ये नोट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।